नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की क्रिकेट की बहुत सारी अपडेट्स आ रही है। आपको जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्रिकेट के आईपीएल के फैन हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा, उसको भी याद से दबा दीजिए। दोस्तों कल का जो मुकाबला था भाई मुंबई और चेन्नई का, एक टाइम पे लगा कि भाई मुंबई इजीली जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से भाई चेन्नई ने कमबैक किया है, दिखा दिया है कि वो चैंपियन टीम क्यों है। भाई ना सिर्फ कमबैक किए, मुंबई को हराया और भाई पॉइंट्स टेबल में जो है फिलहाल चेन्नई की टीम नंबर वन के स्थान पर आ चुकी है। हालाँकि जो यूएई का देश है वो चेन्नई के लिए उतना लकी नहीं है, लेकिन कल भाई चेन्नई ने यूएई में भी दिखा दिया कि वो क्यों इतनी मजबूत टीम है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग गायकवाड़ की। गायकवाड़ भाई जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, लास्ट के 15 मैच हम लोग देखे गायकवाड़ के आईपीएल में, तो लास्ट के 15 मैच में जो है 5 बार मैन ऑफ द मैच मिला है गायकवाड़ को। तो ये दिखाता है चेन्नई की टीम का भरोसा इस खिलाड़ी पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना दिक्कत हो गई चेन्नई के लिए, वो हो गई रायडू की। रायडू को जो है भाई लग गया था बॉल यहाँ पे, तो फिर उसके बाद वो नहीं आए, जिसके बारे में जो है मैच के बाद उनके कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आपने देखा रहेगा कि दीपक चहर को भी जो है थोड़ा सा निगल हो गया था, वो भी मतलब कि उनको थोड़ा सा इंजरी से जूझ रहे थे। जिसके बाद जो है फ्लेमिंग ने दोनों प्लेयर के ऊपर ये अपडेट दी है कि रायडू और दीपक चहर दोनों भाई फिलहाल कम्प्लीटली फिट है और होपफुली 99% चांस यही है कि रायडू और दीपक चहर चेन्नई के लिए अगला मैच खेलते हुए दिखेंगे, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों हम सभी लोग जो भाई है फैंटेसी क्रिकेट तो खेलते ही है, लेकिन आपको पता है आप लोग फैंटेसी में हारते क्यों? क्योंकि भाई आपको जो है अदर प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड टीम्स बनाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप लोग एमपीएल पे खेलोगे ना तो आपको जो है एमपीएल पे 99 टीम्स बना के खेलने का मौका मिलेगा। देखिए भाई बात तो सिंपल सी है, आप जितनी ज़्यादा टीम बनाओगे उतने जो है आपके जीतने के चांसेस भी रहेंगे, उतनी अच्छी टीम कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस करेगी। मैं भाई रोज़ाना एमपीएल पे बहुत सी टीम बनाता हूँ, 20-30 टीम तो भाई मैं इजीली बनाता हूँ एमपीएल पे, और डेली का जो है इन्वेस्ट करता हूँ आईपीएल में, और मैं जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी विनिंग भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो भाई डेली का विन करना, तो आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं है, बस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में एमपीएल ऐप का लिंक दिया है, इसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है और आज से ही खेलना स्टार्ट कर देना है, अपनी टीम बना सकते हो। दोस्तों यही नहीं, साथ ही में जो है एमपीएल पे सीजन पास भी मिलता है। अगर आप लोग ये पास को लेते हो तो आपको जो है एमपीएल पे करोड़ों की जो ग्रैंड लीग होती है उसमें डिस्काउंट प्राइस में एंट्री मिलेगी, साथ ही में जो है लाखों की ग्रैंड लीग में आपको फ्री में एंट्री मिलेगी। भाई मैंने तो पास को ले लिया है, अब आपकी बारी है, आप भी जो है जल्दी से एमपीएल का सीजन पास भी ले लीजिए। आप लोग जो है भाई आज के मैच की मेरी क्या रहने वाली है एमपीएल पे टीम जिससे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, आप लोग जो है देख सकते हो मेरी टीम किस तरीके से होगी। आप लोग अपनी खुद की टीम बना के एमपीएल पे खेल सकते हो, देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी एमपीएल ऐप को डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों बात करते हैं बहुत ही बड़े खबर की। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। भाई विराट कोहली ने हाल ही में जो है ऐसा बोला कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 इंटरनेशनल में कप्तानी नहीं करेंगे भारत के लिए। लेकिन कल जो है भाई ऑफिशियली विराट कोहली ने ये भी बोल दिया कि वो जो है ये आईपीएल के बाद आरसीबी के लिए कप्तानी नहीं करेंगे। तो भाई ये बहुत ही बड़ा हम सभी के लिए शॉकिंग खबर था कि विराट कोहली आने वाले टाइम में इस आईपीएल के बाद आरसीबी के लिए कप्तानी नहीं करेंगे। हालांकि विराट कोहली ने ये तक बोल दिया कि जब तक वो आईपीएल में खेलेंगे तब तक सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेलेंगे। इसका मतलब क्या है कि विराट कोहली लगातार आरसीबी के लिए कंटिन्यू खेलते रहेंगे जब तक वो आईपीएल में है। देखिए भाई कहीं ना कहीं जो है विराट कोहली के ऊपर दबाव हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, तो वो अभी जो है काफ़ी सही भी है कि वो अभी एकदम फ्री माइंड से खेलेंगे, अपनी बैटिंग पर फोकस करेंगे। ऐसे में भाई जो है 2022 में आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा? क्या वो डिविलियर्स होंगे, क्या वो मैक्सवेल होंगे? ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप सब लोग क्या चाहते हो कि आरसीबी का नया कप्तान कौन बने, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे अभी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की। भाई कल के मैच में रोहित और हार्दिक की जो कमी थी वो भाई काफ़ी ज़्यादा खली और मुंबई को नुकसान भी हुआ। बाद में जो है मुंबई के कोच महेला जयवर्धने ने एक स्टेटमेंट दिया मैच खत्म होने के बाद, ऐसा बोल दिए कि रोहित शर्मा भाई कम्प्लीटली फिट है,
वो आज मतलब कि जो कल का मैच था वो उसमें खेल सकते थे, लेकिन हमने जो है एक प्रिकॉशन के तौर पे रोहित को सिर्फ आराम दिया है, उनको इंजरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो एक लंबी टेस्ट मैच की सीरीज़ खेल के आ रहे हैं, तो हम लोग चाहते थे कि वो पहला मैच आराम करे और रोहित शर्मा अगले मैच में 100% खेलने के लिए तैयार है। वहीं हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या को भी ये बोल दिए कि हार्दिक पांड्या अभी जो है अगले मैच में मुंबई के लिए खेलेंगे। तो भाई अच्छी बात है, अगले मैच में मुंबई के लिए दोनों बड़े खिलाड़ी रोहित और हार्दिक हमको खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो भाई ये जो है ना अपडेट मैंने आप सभी को सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दी थी, जो लोग वहाँ पे हैं उनको अपडेट तो मिल गई, आप लोग नहीं हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, इसको आपको क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों आपको याद रहेगा भाई शेल्डन कॉटरेल को भाई इस बार IPL में नहीं लिया गया है, वर्ल्ड कप में भी जो है भाई कॉटरेल वेस्ट इंडीज़ के रिजर्व प्लेयर के स्क्वाड में है, मेन स्क्वाड में नहीं है, लेकिन मुंबई की टीम ने जो है शेल्डन कॉटरेल को अपनी टीम में शामिल किया है बतौर नेट गेंदबाज, यानी कि कॉटरेल जो है मुंबई के नेट बॉलर है। वहीं अगर आप लोग ने CPL फॉलो किया है, CPL में एक टीम थी गयाना अमेजॉन वॉरियर निकोलस पुरन की टीम, उसके अंदर भाई एक खिलाड़ी उभर के आ रहा था, वो था ओडन स्मिथ। आप लोग जानते रहेंगे ओडन स्मिथ गेंदबाजी बल्लेबाजी सब करता है ये खिलाड़ी, और ये जो है ओडन स्मिथ भाई बहुत रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, 145 प्लस की स्पीड है, और इसी जो है ओडन स्मिथ को KKR ने अपने स्क्वाड में बतौर नेट बॉलर रखा हुआ है। बात कर लेते हैं अभी हम लोग फैंस की, तो हमने देखा भाई फर्स्ट मैच में फैंस को एंट्री मिली थी लेकिन फुल स्टेडियम फुल स्टैंड्स भरा नहीं था, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आ रही कि जो BCCI है वो जब भी IPL का प्लेऑफ आएगा तो प्लेऑफ के मैच में जो है भाई BCCI फुल स्टेडियम में फुल क्राउड को एंट्री देगी। तो भाई आप लोग समझ सकते हो कि प्लेऑफ के टाइम पे जो है BCCI फुल क्राउड को एंट्री देने वाली है स्टेडियम में। दोस्तों आज जो है भाई विराट कोहली का 200वां IPL गेम है, तो ये जो है भाई बहुत ही बड़ी बात है, उनके लिए काफ़ी इमोशनल भी है, क्योंकि वो आने वाले टाइम भाई कप्तानी नहीं करेंगे, तो विराट कोहली चाहेंगे कि आज के मैच को काफ़ी खास बनाया जाए। एट दी एंड बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान की, तो भाई पाकिस्तान की बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा पैसों का नुकसान हुआ है, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज़ नहीं खेली इसके चलते, जिसका जो है कवर करने को लेके पाकिस्तान की टीम ने जो है श्रीलंका और भाई बांग्लादेश दोनों के पास गए कि भाई आप लोग हमारे साथ में सीरीज़ खेलो, लेकिन दोनों टीम ने जो है भाई मना कर दिया कि हम लोग भाई पाकिस्तान के साथ में सीरीज़ नहीं खेलेंगे। इसकी एक मेन वजह है कि दोनों जो टीम के इम्पोर्टेंट बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उनके स्क्वाड में नहीं है, इसी के लिए पाकिस्तान को और लॉस हो रहा है पैसों का। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की, आज जो है भाई खान साहब राशिद खान का जन्मदिन है, तो जो फैक्ट है इन्हीं को लेके बताता हूँ। क्या आप सभी को पता है वनडे क्रिकेट के इतिहास में फास्टेस्ट 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? वो है भाई राशिद खान, जहाँ पे जो है राशिद खान ने मात्र 44 मैचेस में 100 विकेट झटके थे वनडे में, जो कि सबसे फास्टेस्ट है और कोई भी नहीं कर पाया। तो भाई ये थी हमारी आज की न्यूज़ वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी, लेकिन भाई उसके पहले मैं वीडियो को समाप्त करूँ, आपको जो है भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के लिंक से तुरंत अभी MPL ऐप को डाउनलोड करना है, आज से खेलना स्टार्ट करना है और अच्छी खासी विनिंग करनी है पूरे IPL में। मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।